हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हेलो मंजू गुप्ता जी, कैसे हैं? और कौन कौन जुड़ा है प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए। हाय हाय आशा, हेलो श्याम तन्वी, अमित तन्वी जी, जल्दी जल्दी जुड़िए फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ एक महाराष्ट्रन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और अपने कुकपैड की थीम महाराष्ट्र स्टार्ट हो गई है, तो मेरे गेटअप को देख के आप समझ सकते हैं कि मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। जुड़िए फ्रेंड्स। हेलो सरिता जी, हेलो सुश्री जी, फ्रेंड्स प्लीज जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए, जितनी जल्दी जुड़ेंगे मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर पाऊंगी। सोनल मैम, अंजना मैम, करण सर, हाँ आज आप टाइम पे आ गए सरिता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू आशा, हेलो दीप्ति जी, फ्रेंड्स जैसे आप सबको पता है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम ममता राजकुमार शाहू है, मैं मुंबई के उपनगर नालासुपारा में रहती हूँ और जैसे आप सबको पता है अभी गणपति उत्सव स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके उपलक्ष में और हमारे कुकपैड का महाराष्ट्र थीम भी स्टार्ट हो गया है, तो ये दोनों चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए आज की रेसिपी लाई हूँ। आज की मेरी रेसिपी है उकड़ी के मोदक, स्टीम मोदक, भाप में पके मोदक भी आप इसे कह सकते हैं। ये महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल बहुत ही पारंपरिक रेसिपी है। हम लोग गणपति में बाहर से मोदक नहीं लाते हैं, मोस्टली हम लोग घर पे जब हमारा पहला दिन होता है गणपति का तो हम यही मोदक बनाते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ख़ास तौर से सब लोग यही मोदक बनाते हैं, उकड़ी के मोदक, स्टीम मोदक। तो फ्रेंड्स आज मैं कुकपैड के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ी हूँ। हेलो साक्षी जी, कुकपैड के माध्यम से मैं यहाँ जुड़ी हूँ। कुकपैड ने मुझे एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपने हुनर को, जो मुझ में थोड़ी बहुत काबिलियत है किचन के, किचन को रिलेटेड, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी जो मुझे देख रहे हैं, जो अभी तक कुकपैड से, कुकपैड ऐप पे अपनी रेसिपी नहीं पोस्ट करते, प्लीज़ आप सब भी कुकपैड से जुड़िए। कुकपैड के ऐप में वेबसाइट पर जाके अपनी रेसिपी पोस्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम होम शेफ्स के लिए। पहले हम एक हाउसवाइफ थे, अब कुकपैड ने हमें होम शेफ का खिताब दे दिया है, एक हम होम शेफ बन गए। हमारे नाम के साथ ही भी शेफ जुड़ गया है। ये उकड़ी, दीप्ति जी, उकड़ी होता है, उकड़ी मतलब उबाले हुए मोदक, जो हम भाप में मोदक बनाते हैं ना स्टीम करके, उसे हम उकड़ी के मोदक कहते हैं। तो अंजना जी, सोनल मैम प्लीज आप बोलिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ।
हेलो नम्रता जी, थैंक यू। हेलो पूजा पुनीत जी, थैंक यू पूजा जी। हेलो मनीषा गुप्ता जी, प्राची जी, फ्रेंड जल्दी जल्दी जुड़िए। कुक पैड ने आज मुझे इतना इस तरह इस गेटअप में आने का मौका दिया आप सबके सामने। ये हमारे महाराष्ट्र का पारंपरिक परिधान है। ये जो मैंने नथ पहनी है, हर सुहागन औरत पहले के जमाने में तो सब हमेशा यही पहनते थे। हाँ, आज मैं सिमी जी, आज मैं उकड़ी के मोदक, स्टीम मोदक बना रही हूँ, भाप में पके मोदक बना रही हूँ। तो ये जो नथ है, ये हर एक सुहागन औरत का प्रतीक है। हमारे घर में जब भी, हमारे महाराष्ट्र में जब भी कोई भी भगवान से रिलेटेड कोई भी शादी, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो हम लोग ये नथ को ज़रूर पहनते हैं। तो कुक पैड में आना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शुभ कार्य है, इसलिए मैंने ये आज नथ पहनी है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, महाराष्ट्र की रेसिपी बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं उकड़ी के मोदक, महाराष्ट्र की पारंपरिक रेसिपी बना रही हूँ, स्टीम मोदक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे भी मैं ही हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, किसी का क्वेश्चन मुझसे स्किप्ट हो जाए, तो मैं उसका बाद में रिप्लाई दे दूँगी। और आप बस मुझसे क्वेश्चंस पूछते जाइए, मेरे पास दूसरा मोबाइल है, अगर मैं काम करते करते मैं उससे भी देखती रहूँगी, और उससे देखते देखते मैं आपके सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है अंजना जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, बाहर हमारे घर के बाहर ऐसा खूबसूरत नज़ारा है, इतने सारे कोकोनट ट्री हैं। अभी अभी बारिश बंद हुई है, नहीं तो सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं स्टीम मोदक बना रही हूँ, इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा फ्राई वाले, ठीक है। हेलो रिया जी, हेलो गौरी जी, नीलिमा रानी जी, हेलो, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बहुत हरियाली है, बहुत हरियाली है, बहुत सुंदर। अभी जस्ट बारिश थोड़ी देर पहले बंद हुई है, बहुत ही सुंदर था। बारिश होती रहती है कंटिन्यू, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैं थोड़ा अपना कैमरे को सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली हम लोग जब मोदक भगवान को नैवेद्य के लिए हम मोदक बनाते हैं, तो हम लोग 21 मोदक का नैवेद्य भगवान को लगाते हैं। लेकिन आज 21 मोदक मैं नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़े से ही मोदक बनाऊंगी। जस्ट आप लोगों को मैं बताऊंगी कि किस तरह बनाना है, ठीक है। हेलो करण सर, थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन हो गए। तो फ्रेंड्स, तो मैंने स्टीम मोदक बनाने के लिए यहाँ 1 कप चावल का आटा लिया है। ये देखिए, 1 कप चावल का आटा है, ये मैंने 1 कप ही, सेम मेज़रमेंट है दोनों का। मैंने ये नारियल लिया है, नारियल को मैंने कस लिया है, मैंने इसे ग्रेटर से नहीं कसा है, ये हमारे मराठी लोगों में एक रहती है मुरली, मैंने उससे इसको ग्रेट किया, उससे कसा है। तो मैंने ये इस तरह से बनाया, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वही चाहिए। थैंक यू सो मच प्राची जी। तो फ्रेंड्स, ये हो गया नारियल, 1 कप चावल का आटा, ये 200 ml का जो कप होता है ना, मैंने उससे मेज़र करके ये लिया है, चावल का आटा और नारियल, और साथ ही भी मैंने गुड़ लिया है।
गुड़ मैंने आधा जितना मेरा नारियल है उससे आधा लिया है, ये बहुत देर से मैंने ऐसा छोटे छोटे टुकड़े में करके रखा था, ये तो नीचे बैठ गया है। ये दोनों नारियल और ये इसका नारियल का आधा होना चाहिए गुड़, इससे एकदम इक्वल बराबर स्वीटनेस आती है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं गुड़, उसकी जगह थोड़ा सा और ले सकते हैं। ये हो गए हमारे तीन मेन। फिर उसके बाद मैंने ये भुने हुए पॉपी सीड्स खसखस लिए हैं, मैंने इसे हल्का सा भून लिया है। हेलो कुक पैड। फिर उसके बाद मैंने लिया है ये इलायची पाउडर, और साथ ही भी मैंने थोड़ा सा ये जायफल लिया है, मैं इसको थोड़ा सा ही डालूंगी घसकर। और साथ में मैंने ये चारोली चिरौंजी ली है, ये लगभग एक से डेढ़ टीस्पून है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं मोदक में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करती, मैं सिर्फ चारोली ही डालती हूँ, चिरौंजी ही डालती हूँ, चारोली मराठी में बोलते हैं इसे। तो फ्रेंड्स ये हमारे बेसिक हो गया, और साथ में मैंने देसी घी लिया है। तो फ्रेंड्स अब तक सबको क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। हेलो उषा, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आगे शुरू करती हूँ, फिर उसके बाद हमें पानी लगेगा। पानी लगेगा जितना आटा है उसका सवा पानी लेना है, जैसे एक कप आटा है। फ्रेंड्स मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए आप लोगों के कमेंट्स। हाँ क्या चावल को भिगो कर पीस के बना, हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत बारीक छन्नी से छानना पड़ेगा चावल के आटे को। अगर हम घर में बनाते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे से उसको बारीक उससे छानना पड़ेगा। गुड़ की जगह बूरा, हाँ बूरा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हम ट्रेडिशनल बना रहे हैं तो ट्रेडिशनल रेसिपी में हम लोग गुड़ का ही यूज़ करते हैं। आप शक्कर भी डाल सकते हैं, बूरा भी डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये हो गया, हमको पानी लगेगा जितना हमारा आटा है उसका सवा पानी होना चाहिए। जैसे एक कप हमारा चावल का आटा है तो हम सवा कप पानी का यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सोनल मैम। ये मैंने ना अब मैं आपको ना पूरे 21 मोदक का मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको कितना लगेगा। ये साइज़ का जो नारियल होता है ना, बड़े साइज़ का नारियल, ये देखिए, हाँ हम लोग जब ये नारियल को कसेंगे ना तो हमें इसका ब्लैक वाला पार्ट नहीं लेना, हम मैंने ये देखिए सिर्फ वाइट वाला पार्ट ही लिया है, ठीक है। तो मैंने ये आधा नारियल लिया है, अगर आपको 21 मोदक पूरे बनाने हैं तो ऐसा मीडियम साइज़ बड़े साइज़ का एक नारियल लीजिए, और 250 ग्राम्स चावल का आटा लेंगे, 250 ग्राम चावल का आटा और 150 ग्राम के करीब हम गुड़ लेंगे, तो बहुत अच्छा है, पूरे 21 मीडियम साइज़ के मोदक बनेंगे, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े। ये मैं 21 मोदक का आपको बता रही हूँ कि कितना लगेगा, 250 ग्राम चावल का आटा और एक ऐसा मीडियम साइज़ का नारियल लेंगे और गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं गणपति बप्पा मोरिया। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले हमारे यहाँ बारिश बहुत हुई है तो छोटे छोटे अभी मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैं गैस ऑन कर रही हूँ, मैंने यहाँ गैस ऑन कर दिया है, मैं यहाँ पानी गर्म करने के लिए रखती हूँ। ये जो मेरी कटोरी है जिससे मैंने चावल का आटा लिया है उस
से मैं ये सवा कप डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पानी डाल दिया है सवा कप, जो अभी हम चावल का आटा लेंगे उसका सवा हमें पानी लेना है। तो मैंने यहाँ आटा डाल पानी डाल दिया है गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें एक चुटकी नमक डालूँगी, एक चुटकी हमें नमक डालना है। आप लोगों को पतीले के अंदर दिख रहा है, प्लीज़ बताइए। ये देखिए मैंने यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं और फिर मैं इसमें ये एक चुटकी नमक डाल रही हूँ और साथ ही में मैं इसमें छोटा चम्मच घी डालूँगी। एक छोटा चम्मच घी डाल दिया। अब मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी। जब तक हमारा बॉईल आएगा मैं स्टफिंग जो हम मोदक की बनाएंगे ना वो तैयार करते हैं, ठीक है। तो जब तक ये पकता रहेगा हम लोग स्टफिंग बनाते हैं। मैं इसको ना दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये मैंने इसको दूसरे गैस पे रख दिया है। ये देखिए ये यहाँ बनता रहेगा। और साथ ही में मैं अपना ये अब मैं यहाँ आपको स्टफिंग बताती हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा ना जाए। तो अब हम ना सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोगों को अगर ना दिखे ना तो प्लीज़ कमेंट्स कर देना कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में बहुत ये मैंने पैन लिया, बहुत थोड़ा सा घी डालना है, सिर्फ इतना ही कि बस वो तली में चिपके ना। बहुत थोड़ा सा लिया क्योंकि नारियल में अपना भी घी होता है, इसलिए हमें घी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ नारियल डाल रही हूँ, मैंने नारियल डाल दिया। साथ ही में मैं गुड़ डालूँगी। और हम इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। धीमी आंच पे ही हमें इसको भूनना है, तो दोनों हमारे काम साथ साथ होते रहे, इसलिए मैंने दोनों चूल्हों पे एक तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और यहाँ मैं आपको स्टफिंग भी बनाकर दिखा रही हूँ ताकि दोनों काम फटाफट हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर इस बीच अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। हेलो अमन अरोरा जी, हाँ थैंक यू सरिता जी, बस ऐसी कमेंट्स करके बताती जाइए अगर कोई गलती हो रही हो तो। फ्रेंड्स प्लीज़ कुछ ना दिख रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो हमें इसी तरह इसको बस करना ये है कि हमें इसे ना लगातार चलाते रहना है, तली में ना ये चिपकना नहीं चाहिए। अगर ये तली में चिपक के गुड़ ने थोड़ा सा जला हुआ स्वाद दे दिया ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें इसे धीमी आंच पे ही भूनना है जब तक गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। हेलो निशा सिंह जी, हेलो प्रियंका, हेलो नम्रता जी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आप मेरे साथ जुड़े। फ्रेंड्स अगर हम लोग जो सबको इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ जुड़िए जुड़िए जुड़िए, इससे ये रहता है ना हम लोग जब ये कुछ भी काम करते हैं इसको करने में ना हमें और अच्छा लगने लगता है और हमारा उत्साह बढ़ जाता है कि हमें इतने सारे लोग देख रहे हैं। अब तक किसी को कुछ नहीं, ड्राई कोकोनट से बना सकते हैं लेकिन ये मैंने कहा ना ये पारंपरिक तरीका है तो फिर इसमें ना हम लोग कच्चा ही नारियल यूज़ करेंगे। ड्राई कोकोनट को यूज़ करके भी आप बना सकते हैं। थैंक यू अंजना मैम, थैंक यू आर्या जी जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स आज मैं ना आपको जो आज रेसिपी बना रही हूँ मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मुझे ये रेसिपी बना के मुझे कुक स्नैप कीजिए। जिन फ्रेंड्स को कुक स्नैप क्या होता है अगर उसके बारे में नॉलेज ना हो तो मैं बता देती हूँ कि जो कुक स्नैप क्या होता है। कुक स्नैप होता है, एक बार मैं आप लोगों को पैन में अच्छे से दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये भुनना चाहिए। ये जो इसमें पानी है ना गुड़ का ये पूरी तरह से
सूख जाना चाहिए, तब तक हमें इसको भूनना है। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, मैं आपको कुक स्नैप के बारे में बता रही हूँ। कुक स्नैप क्या होता है कि जो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ वही रेसिपी आप लोग जब बनाइएगा तो आप मुझे ना कमेंट्स कर, फोटो कमेंट्स भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, मैं आपको बताती हूँ मैंने कोकोनट ऐसे बारीक कैसे किया है। मैं कुक स्नैप के बारे में बता रही थी, जो हम अपनी रेसिपी बनाते हैं और जब कोई दूसरा ऑथर हमारी रेसिपी को बनाकर उसकी फ़ोटो को हमें फ़ोटो कमेंट्स करता है उसे ही हम कुक स्नैप कहते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स को कंफ्यूज होता है कि हम कुक स्नैप कैसे दें, क्या होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कुक स्नैप क्या होता है। कुक स्नैप एक ऑथर की रेसिपी को जब दूसरा ऑथर बनाकर और उसकी फ़ोटो को शेयर करता है तो फोटो कमेंट्स करता है उसे ही कुक स्नैप कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस रेसिपी को बना के मुझे कुक स्नैप कीजिए। और फ्रेंड्स, जैसे कि अभी महाराष्ट्र वीक चल रहा है, जिन लोगों को महाराष्ट्रियन रेसिपी चाहिए प्लीज़ फॉलो मी, मुझे फॉलो कीजिए और आपको महाराष्ट्रियन रेसिपी का ढेर सारा खजाना मिलेगा। आप बस मुझे फॉलो कीजिए और आपको भर भर के महाराष्ट्रियन रेसिपी मिलेगी। कल ही मैंने एक नई महाराष्ट्रियन रेसिपी डाली है, बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत ही इजी है। हाँ, शुगर डाल सकते हैं, लेकिन अगर जो पारंपरिक बोलेंगे ना तो फिर उसमें गुड़ का ही यूज़ होता रहता है। आप शुगर भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शुगर नहीं डाल सकते, शुगर भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि मैं पारंपरिक बना रही हूँ तो मैंने इसलिए गुड़ का यूज़ किया है, आप शुगर को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि आप लोग मेरी रेसिपी, आप लोगों को महाराष्ट्रन रेसिपी चाहिए तो आप मुझे फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारी महाराष्ट्रन रेसिपीज मिलेंगी। और आज ही मैंने कल मैंने करी है एक रेसिपी, थाली पीट, पोहे का थाली पीट, बहुत इजी रेसिपी है, आपको महाराष्ट्र वीक में जाने के बनाने के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन मिल गया है। आप लोग मेरी रेसिपी को बनाइए और मुझे कुक स्नैप कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब तक हमने अपनी बातें की, ये देखिए ये हमारा काफ़ी हद तक पानी सूख गया है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम यहाँ दूसरी तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग, पानी हमारा उबल गया है, दिख रहा है फ्रेंड्स? थैंक यू। हाँ, तो फ्रेंड्स, थैंक यू रश्मि दुबे जी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा पानी बिल्कुल रेडी हो गया है, अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। पानी को इस स्टेज तक उबालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम पानी को अच्छे से नहीं उबालेंगे तो हमारे मोदक सॉफ्ट नहीं बनेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू मीनू जी, मीनू वालिया जी, थैंक यू मोहिनी तिवारी जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम इसमें ना चावल का आटा डालेंगे। ये देखिए, हम ये थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डालेंगे और इसे बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और अगर गुठलियाँ बनती भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम इसको अच्छे से मैश करेंगे, गूंदेंगे, तो ये सब गुठलियाँ जो है हमारी वो निकल जाएंगी। बस हमें इस तरह से मिक्स करना है अच्छे से। हमने इसको मिक्स कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। ये इतना सूखा होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर ये सूखा होगा ना तो हमारे मोदक बनेंगे नहीं। तो ये चावल की कभी कभी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, कोई कोई चावल ज़्यादा पानी लेता है, कोई कम पानी लेता है। तो नॉर्मली ना ये अपना 1.25 कप पानी डालेंगे ना, 1 कप के साथ 1.25 कप पानी डालेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाता है, ना सूखा होता है ना गीला होता है, हो जाता है। कभी अगर थोड़ा सा सूखा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी का छिट्टा मार के और जब हम आटे को मलेंगे ना तो आप इसे गूंद सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को। बस अब हमें गैस को, ये देखिए हमने बंद कर दिया, ढक दिया और बंद कर दिया। अब हम इसे इसी तरह से 5-7 मिनट रहने देंगे।
तो जब तक हम अपनी स्टफिंग पे चलते हैं, मैं स्टफिंग दिखाती हूँ कि स्टफिंग का क्या हाल है। फ्रेंड्स, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए प्लीज़। रेसिपी, अब मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। मैंने यहाँ पर एक कटोरी चावल का आटा लिया है, एक कटोरी नारियल लिया है, कच्चा नारियल जिसे मैंने कद्दूकस कर मैंने कस लिया है कसनी से, आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं एकदम बारीक वाले ग्रेटर से। साथ ही में मैंने एक कटोरी नारियल है अगर हमारा, तो हम उसमें आधा कटोरी गुड़ डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा थोड़ा सा डाल सकते हैं। फिर मैंने लिए हैं एक चुटकी नमक लिया है, हाफ टी स्पून के करीब हम इलायची पाउडर यूज़ करेंगे और हम इसमें चिरौंजी डालेंगे, चारोली डालेंगे, एक से डेढ़ टी स्पून डालेंगे। आप अपनी अपनी पसंद से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने ना भुने हुए खसखस भी लिए हैं, तो खसखस डालेंगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब वो दाना दाना मुँह में आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। कैमरा बराबर लग रहा है आप लोगों को, सब दिख रहा है? तो ये देखिए, आप मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा क्लोज करके। ये देखिए हमारी स्टफिंग इस तरह से हमें ड्राई चाहिए, बस इतने ही ड्राई हो जाएगी ना, जैसे जैसे ठंडी होगी ना थोड़ी देर में अपने आप ही और सूख जाएगी, ठीक है? ये हो गया। अब हम इसमें ना इलायची पाउडर डालेंगे, ठीक है? मैंने हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डाली है। फिर मैं इसमें ये चारोली जिसे हम चिरौंजी कहते हैं ये डाल दिया मैंने इसमें। और फिर हम इसमें ना थोड़ा सा जायफल डालेंगे। जायफल डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है मोदक का। थोड़ा सा ही डालना है, बहुत एक चुटकी के करीब मैंने इसे बस घिसकी डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा डालना है, ठीक है फ्रेंड्स? अब ये हो गया हमारा, हम इसे मिक्स करेंगे। गैस, ये पूरे प्रोसेस में हमें ना गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, हमारा नारियल और गुड़ बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, हमें इस तरह से इसका टेक्सचर चाहिए। अब आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास 3-4 मिनट हैं, उसके बाद मैं अपने आटे को मलूंगी, ठीक है फ्रेंड्स? अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ और मैं इसे ना ठंडा होने दूंगी। फ्रेंड्स, आप चाहें ना इसमें तो थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं, आप इसे जितना रिच बनाना चाहें बना सकते हैं। तो पहले ज़माने में ज़्यादा ये सब चीज़ें कोई यूज़ करता नहीं था, केसर यूज़ करते हैं, केसर यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, ये वो एक पारंपरिक है कि केसर हम इसमें डालते हैं, पर आज मैंने केसर नहीं डाला है। मैं केसर वाले मोदक को ये आने वाले गणपति में उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए मैंने आज केसर के साथ नहीं बनाया है, मैं केसर के साथ थोड़ा अलग हटकर मोदक बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है। अब आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका अभी उसका जवाब दे दूंगी। फिर अगर मैं आटा मलने लगी तो मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं देंगे, तो अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। किसी को कुछ क्लियर ना हो, रेसिपी रिपीट करना हो तो आप प्लीज़ बताइए, मैं अभी आपको बता देती हूँ। सबसे आप ना फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आप मुझे रेसिपी को बना के मुझे कुक स्नैप जरूर कीजिए। जिन फ्रेंड्स को कुक स्नैप के बारे में ना मालूम हो उसे मैं बताना चाहती हूँ। और हाँ, मैं ना ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं अपने फ्रेंड्स जो लोगों नहीं जानते कि कुक स्नैप कैसे किया जाता है, मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूँगी, ताकि जिन फ्रेंड्स को नहीं आता, जो नए मेम्बर्स जुड़े हैं, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल हो जाए कि कैसे हम कुक स्नैप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे नए मेंबर से मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हमें कुक स्नैप, जैसे अभी लास्ट हमारा हुआ था तो बहुत सारे लोगों को कुक स्नैप करना नहीं आया था, तो मैं उन लोगों के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से हमें कुक स्नैप करना है, किसी के प्रोफाइल में जाके किस तरह से कुक स्नैप करना है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मुझे कुक स्नैप जरूर कीजिए। और अगर महाराष्ट्र वीक चल रहा है, अपना
तो जिसको भी महाराष्ट्रन रेसिपी चाहिए प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। गुंजन जी आपको तो सब मालूम है। और अब हमारी स्टफिंग ठंडी हो जाएगी, किसी को कुछ पूछना है तो फ्रेंड्स पूछ लीजिए। अब जब तक हमारे पास 2 से 3 मिनट हैं और 1 मिनट और है, अभी बहुत चावल का आटा बहुत गर्म है, अगर मैंने हाथ लगाया तो मेरा हाथ जलेगा। मैं एक बार फिर से रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। मैंने स्टीम मोदक बनाने के लिए, उकड़ीचे मोदक बनाने के लिए 1 कप चावल का आटा, 1 कप नारियल, कद्दूकस किया हुआ कच्चा नारियल, 1/2 कप मैंने उसमें गुड़ लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया, 1 चुटकी जायफल लिया है और 1 टीस्पून मैं इसमें पॉपी सीड्स डालूंगी, जो मैं डालना आपको बता देती हूँ, थोड़ा ठंडा होने पे ही डालने वाली हूँ मैं उसको, तो पॉपी सीड्स डालूंगी और फिर हम उसको मिला के हम लोग गुड़ और थोड़ा सा घी डालेंगे पैन में। फिर उसमें गुड़ डाला मैंने, कसा हुआ नारियल डाला और सबको एक साथ, आप चाहे तो सारी सामग्री को एक साथ डाल के धीमी आंच पे उसे भून लीजिए जब तक कि वो गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और गुड़ अपना पूरा पानी सोख ना ले, ठीक है फ्रेंड्स। आप गुड़ की जगह शुगर भी ले सकते हैं। किचन गार्डन मंजू गुप्ता जी, किचन गार्डन दिखाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि मेरे ना एक जगह नहीं है, मेरे सारे विंडो में लगे हुए हैं, तो अलग अलग, अभी तो उसमें बैंगन में फूल भी आ रहे हैं, भिंडी में भी फूल आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए मैं इसका नाम है स्टीम मोदक, भाप में पके मोदक, उकड़ीचे मोदक, मराठी में इसे उकड़ीचे मोदक कहते हैं और हिंदी में हम भाप में पके मोदक या उसको स्टीम्ड मोदक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं अपना ना आटा जो हमने भाप में पका लिया है उबलते हुए पानी में डालकर ढक के रखा था, अब मैं उसे अभी बहुत गर्म है आटा, बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन अगर बहुत ठंडा करने गए तो हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, थोड़ा गर्म ही इसे मलते रहना है। ये हमारा ना आटे को हम इस थाली में निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगी और फिर हाथों से इसे मलूंगी। थोड़ा सा हवा लग जाए, ये थोड़ी सी भाप इसकी निकल जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है। बस इसमें टाइम कुछ नहीं लगता, बस यही टाइम है कि ये जलता रहता है तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते, बाकी बहुत जल्दी फटाफट बन जाते हैं उकड़ी के मोदक और सब घर का ही सामान होता है और बहुत हेल्दी होते हैं। हाँ मैं ये आटा लगाती हूँ, फिर मैं आपको ना लास्ट में किचन गार्डन दिखाऊंगी अपना, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने ना अपनी जितनी मेरे घर की, हाँ मैंने इसे थाली में निकाल के फैला लिया है और मैं थोड़ा सा इसको ना शशि जी, मैं इसको थोड़ा सा हाथों से, इससे स्पून से थोड़ा सा इसको मसल के ना ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट किया तो बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ जलने लगे। और हमें ना फ्रेंड्स इसे बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, थोड़ा गर्म ही रहे ना, जलता थोड़ा सा बस, बहुत हाथ को चटका ना लगे और थोड़ा गर्म रहते हुए ही हमें इसे मलना है। बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो ये अच्छे से
सॉफ्ट आटा बनेगा नहीं हमारा। हेलो सुधा जी, ठीक है आप ना? दिख रहा है ना फ्रेंड्स? हाँ, सभी फ्रेंड्स को आज कजरी तीज, हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई हो। जिन फ्रेंड्स ने आज का फास्ट रखा है उन सभी को कजरी तीज और हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मराठी में हम लोग इसे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर इसको हरतालिका तीज कहते हैं, और हमारे यूपी में, बेसिकली मैं यूपी से ही हूँ तो यूपी में हम लोग इसे कजरी तीज कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हम इसे अच्छी तरह से, बहुत गर्म है इसलिए हम थोड़ा सा पानी लगा के, ये देखिए इसे इस तरह से मसल मसल के हमें, ये देखिए बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से हम इसे सॉफ्ट गूंदेंगे ना उतने अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट मोदक बनेंगे हमारे, बिल्कुल नरम नरम, मुंह में डालते ही वो बस मुंह में मेल्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। बहुत अच्छे से फ्रेंड्स इसको मलना है, बहुत अच्छे से, जितना अच्छे अच्छे से मलेंगे ना उतना अच्छे हमारे मोदक बनेंगे। और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा लग रहा हो ना तो आप थोड़ा सा हाथों में घी भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों को ना एक बात और कहना चाहूँगी, आप जो ये चावल का आटा लेते हैं ना, अगर आप बासमती चावल का आटा लेंगे ना तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। आप नॉर्मल चावल का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बासमती वाला चावल का आटा लेंगे ना तो उससे ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है, उसकी खुशबू एक अलग रहती है ना बासमती राइस की, तो उससे बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा वो खाने में। ये देखिए अब मैंने इसको मसल लिया है, थोड़ा सा मैं हाथ को वॉश करती हूँ और फिर तेल लगा के इसको हम घी लगा के हाथों में फिर हम इसे मसलेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको और भी मोदक की रेसिपी चाहिए हो इंस्टेंट मोदक की तो आप मुझे फॉलो कीजिए मेरे प्रोफाइल में, आपको कुक पैड प्रोफाइल में बहुत से मोदक की रेसिपी मिल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया है, अब मैं घी लगा के इसे मसलूंगी। थैंक यू सो मच अंजना मैम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा भी, ये देखिए ये देखिए इस तरह से हमें चिकना डो बना लेना है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट हमें बना लेना है डो, अच्छा। रीता जी आप भी यूपी से हैं? हाँ मैं भी यूपी से हूँ, मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ, मेरी स्कूलिंग पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई है इसलिए मैं तीन स्टेट से मिलकर बनी हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा अब आटा एकदम रेडी हो गया है, यहाँ हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, मैं स्टफिंग को यहाँ निकाल लेती हूँ। ये देखिए स्टफिंग ठंडी हो गई है, अब मैं इसमें ये भुने हुए खसखस डाल दूँगी, पॉपी सीड्स मैंने एक टीस्पून डाला है इसको, और हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आप इसका टेक्सचर देखिए कि किस तरह हो गया है, ये एकदम ड्राई हो गया है, ऐसे ही हमें चाहिए।
ये देखिए, इस तरह से चाहिए। थैंक यू सुधा जी। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए अब ठंडा हो गया है, अब हम इसको ना बनाएंगे। तो मैं यहाँ अपना पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। मैंने एक पतीले में लगभग आधा लीटर, ये देखिए मैंने लगभग आधा लीटर पानी लिया है, आधा लीटर मैंने पानी लिया है। और मैं गैस को ऑन करके ना इसको भाप बनाने के लिए ढककर रख दूंगी, ताकि अच्छे से हमारी स्टीम बन जाए। तो मैंने यहाँ ये गैस पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और मैं इसे ना ढक दूंगी ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। ठीक है, अब यहाँ हम लोग अपने मोदक बनाएंगे। बहुत कैमरा हिल रहा है फ्रेंड्स, पर सॉरी, क्या करूँ, मैं अकेली हूँ। अगर मैं कैमरा को इधर उधर नहीं करूँगी तो फिर आपको अच्छे से देख नहीं पाएंगे। हाँ, आप इसमें रेनू जी आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई से भी जो आपको पसंद हो। थैंक यू मिथु जी, थैंक यू मिथु जी। ठीक है, अब मैं फ्रेंड यहाँ पे ना ये हल्दी के पत्ते लिए हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ना हल्दी के पत्ता लिया है, उसको मैंने ये एक छन्नी ली है, उसके ऊपर मैं हल्दी के पत्ते इस तरह से मैंने रख दिया है। हल्दी के पत्ता रखना ऑप्शनल है पूरी तरह से। अगर आपके पास हल्दी का पत्ता ना हो तो आप केले का पत्ता रख सकते हैं, या अगर केले का पत्ता भी ना हो तो आप डायरेक्ट किसी तरह से छन्नी में स्टीम कर सकते हैं। पर हल्दी का पत्ता भी एक पारंपरिक है। हल्दी का पत्ता रखने से ना मोदक में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा स्वाद लगता है। थैंक यू प्राची जी। तो मैंने ये लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ना घी लगा दूंगी। हल्दी का पत्ता बहुत ज़्यादा स्वाद देता है मोदक में, एक अलग सा ही फ्लेवर आ जाता है। हल्दी के पत्ते को हम लोग यूज़ करके ना बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हल्दी के पत्तों के साथ हम बहुत सारे चीज़ों को बनाते हैं। तो ये मैंने ये रख दिया है, अब मैं इसको एक साइड में रख देती हूँ। ये देखिए हल्दी का पत्ता इस तरह से होता है, ये भी मेरे किचन गार्डन में ही लगा है। हम लोग अपने घर में ऐसा इसको लगा के ही रखते हैं, क्योंकि बहुत काम आता है ये। तो ये इस तरह से हल्दी का पत्ता होता है। आपको हल्दी का पत्ता ना मिले तो आप केले का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। केले का पत्ता ना मिले तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो निशा जी आप बनाइए, आप बहुत अच्छे बनेंगे, और मुझे कुक स्नैप करना ना भूलिएगा बनाने के बाद। आज मेरे बच्चे ना नीचे हैं, दूसरे मेरा बेटा दादी के पास है, और मेरी बेटी को मौसम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसे नींद लगी है। वो बोलती नहीं मेरे को ऊपर नहीं आना, मैं ना यहाँ सोऊंगी, तो वो नीचे ही है, नीचे के दूसरे रूम में है वो। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ कि मोदक मैं किस तरह से बनाऊंगी। हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हम चावल का आटा लेंगे, ये देखिए थोड़ा सा, आपको जिस हिसाब से मोदक बनाना है छोटा बड़ा उसके हिसाब से चावल का आटा को ले सकते हैं। मैं जरा लाइट लगा के,
ये देखिए, ये चावल का इतना बड़ा मैंने पेड़ा लिया है। आपको जितना छोटा बड़ा आटा मोदक बनाना है आप उस हिसाब से इसको ले सकते हैं। आपको अगर फ्रेंड्स दिख ना रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो आप सीख लीजिए विनीता जी, अब तो आप इस तरह से आप मोदक बनाइए। तो हमने ऐसा रोल कर लिया है इसको, थोड़ा सा मैं हाथ में ना घी लगा ले रही हूँ और अब मैं इसको इस तरह से जैसे हम एक कटोरी का इसको शेप देंगे, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमें इसको, ये देखिए, ठीक है। हमें ना बीच में से पतला नहीं करना है बहुत ज्यादा, नहीं तो फिर हमारे मोदक, हमें एक समान ही सारी सब तरफ से इसको करना है। अगर आपके हाथों में चिपक रहा हो तो आप सूखा आटा भी लगा सकते हैं या फिर इसको घी भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमें ऊपर की ओर उठाते हुए कटोरी का शेप देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ऐसे कटोरी का इसको शेप। जी निशा जी, मैं आपके कुक स्नैप का इंतजार करूंगी, ठीक है। हमने ऐसा ये ले लिया है, ये ऐसा कटोरी जैसा बना लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। आप अभी भी स्टफिंग भर सकते हैं या आप बाद में भी भर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ना इसकी कलियां, जो इसकी मोदक की शेप होती है ना, वो निकालना बताती हूँ। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमसे बनता ही नहीं। हाँ, इसे बेलन से भी बेल सकते हैं, मैं आपको बेलन से भी बेल के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमें तीन फिंगर्स को, यहाँ हमें ये तीन फिंगर्स यूज करनी है। ये हमारी जो दो फिंगर्स है ये नीचे रहेंगी और हमारा ये ऐसे ऊपर रहेगा। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए इस तरह से हम लोग इसको फिर ऐसे उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसका शेप देंगे, इसी तरह हम बनाते रहेंगे। बहुत जितना आपको कलियां चाहिए आप पास पास इसको बनाते रहिए। ये देखिए इस तरह से, आप लोग इसे बेलन से भी बेल सकते हैं। ये देखिए इस तरह हमने बना लिया इसको। हाँ, तो अब हम इसको इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसी आपको चाहिए आप भर सकते हैं, पर एटलीस्ट 1 टीस्पून तो स्टफिंग आप भरिए इसमें, ठीक है। ये हुआ अंदर, और अब हम इसको, फ्रेंड्स अगर कुछ दिख ना रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स कर देना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दिख रहा है कि नहीं। ये इसको उठाना है, ये दोनों ऐसे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के से हमें इसे दबाना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको, ये देखिए, फिर हम इसको अच्छे से थोड़ा शेप लानी है तो हम इसे, ये देखिए। मैं आपको और बना के दिखाती हूँ इसी तरह से। और जो लोग, जो फ्रेंड्स कह रहे हैं ना कि क्या हम इसे बेल सकते हैं, तो मैं एक आपको बेल के भी बता देती हूँ। हम लोग इसे बेल भी सकते हैं। वैसे मैंने आज तक कभी बेल के बनाया नहीं है, पर मैं अभी आप लोगों के लिए एक बेल के भी बना के बताती हूँ।
मैंने आज तक कभी बेल के बनाया ही नहीं मोदक। अच्छे से हम इसको थोड़ा सा मल लेंगे, थोड़ा सा तेल लगाएंगे, एक गोला तैयार कर रहे हैं। मैं भी पहली बार ही बेल के बना रही हूँ, पर मैंने सुना है कि लोग बेल के भी बनाते हैं। एक बार हाँ मैं एक हाँ अलका जी मैं आप अलका जायसवाल जी मैं शेप बना के बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसमें नारियल, मैंने नारियल को कसा था तो उसके ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बेलन में भी तेल लगा लेती हूँ। ये देखिए इसको हम बेल लेते हैं। मैं भी पहली बार इसे बेल के बना रही हूँ, मैंने कभी बेल के बनाया ही नहीं, तो ये देखिए, ठीक है। अब मैं शेप बनाना आपको बताती हूँ। ये देखिए जितना आप पास पास इसे बनाएंगे ना उतना अच्छा मोदक का शेप आएगा हमारा। शायद ज़्यादा बड़ा ही बिल गया ये। मैं खुद आज पहली बार बेल के बना, मैंने कभी बनाया ही नहीं बेल के। ये देखिए अब मैं इसमें स्टफिंग रखती हूँ। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको हाथ से ही बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनाने हैं। हमें ना ये अंगूठे और इन हाथों के बीच में बहुत सॉफ्ट ये देखिए फ्रेंड्स दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है मैं थोड़ा सा आटे को, ये सूख रहा है, मैं थोड़ा सा और इसे अच्छे से मलती हूँ। अब आप लोगों को समझ में आ गया ना, ये बेल के भी बन सकता है, लेकिन मैं बेल के नहीं बनाऊंगी, मैं अपने हाथ से ही, मेरा बराबर बनता है तो मैं हाथ से ही आप लोगों को बेल बना के दिखाऊंगी, ठीक है। हमें सिर्फ इस तरह जैसे हम कचौड़ी वगैरह की स्टफिंग भरने के लिए गोल गोल घुमाते हैं, इस तरह से कोई भी पराठा बनाने के लिए हम लोग इसी तरह ही बनाते हैं ना शेप को, तो बस हमें इसी तरह बनाना है। फ्रेंड्स आटे को ना थोड़ा और अच्छी तरह से ठंडा होने देना चाहिए था, मैंने थोड़ा इसे जल्दी निकाल दिया है तो आटा अच्छे से मुझे लगता है कि ये इसको स्टीम लगा नहीं है, तो आप ना इसको ढक के थोड़ी देर और इसको ठंडा होने, जब तक ये हाथ से छूने लायक ना हो ना तो आप लोग इसको निकालें ना, तो मैंने थोड़ा जल्दी निकाल दिया, ठीक है। फ्रेंड्स ये हो गया, अब मैं कलियां आपको बना के दिखाती हूँ। जितना आप पास पास बनाएंगे उतना ही अच्छा हमारा मोदक बनेगा।
ये देखिए इस तरह से। स्टफिंग भरिए। बस हमें बेसिक ध्यान क्या रखना है, जो हमारी हमने कलियां बनाई है ना, उसको इस तरह से हम ऊपर की ओर ये अंगूठे और उंगलियों के बीच में हमें इस तरह से प्रेस करते हुए ऊपर की ओर उठाना है। ठीक है फ्रेंड्स, जितना अच्छे से हम इसे उठाएंगे ऊपर की ओर बहुत हल्के हाथों से, फिर उसके बाद हमें जो इसको इसका टिप है फ्रेंड्स, आटे को ना और अच्छे से आप लोगों को 10 मिनट ढक के रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर यही होगा कि आटा अच्छे से फूलेगा नहीं। और अगर हमारे ये शेप्स अच्छी नहीं आती ना, तो उसका एक और भी ट्रिक है, आप इस तरह से ये देखिए, अगर कभी हमसे हमारा मोदक टूटता है, ये देखिए इस तरह से हम इसको स्पून के जो मैंने पीछे का भाग लिया है ना, उससे हम लोगों ने ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए। स्टफिंग में मैंने पूनम अरोरा जी, मैंने इसमें नारियल डाला है, कच्चा नारियल, और गुड़ डाला है, इलायची पाउडर, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह हम बना लेंगे। और फ्रेंड्स अगर जिसको ये ना समझ में आ रहा हो किस तरह बनाने का है, तो ये आप मोल्ड से भी बना सकते हैं, मोल्ड से भी मैंने कभी नहीं बनाया, आज ही आप लोगों को बना के बताती हूँ। मैं ये उकड़ी के मोदक कभी मोल्ड से नहीं बनाती हूँ, पर अभी बता देती हूँ एक मोदक इससे भी बना के, पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं है उकड़ी के मोदक को मोल्ड से, पर एक बार मैं बता देती हूँ कि बहुत सारे लोगों से नहीं जमता है ये बनाना। तो पहले ना हम लोग इसकी टिप जो है ऊपर का, हम लोग उसको ही भरेंगे, क्योंकि बाद में ना हमारा हाथ जाता नहीं है अंदर। ठीक है, हम लोग उसको बंद करेंगे। स्टफिंग को हमें ये देखिए, हमको ये जो आटा है इस तरह से अंदर अच्छे से हमें फिल करना है। बहुत अच्छे से हमें सब तरफ से इसको लगा लेना है इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हमें सब तरफ से लगा लेना है। उसके बाद हम लोग इसमें स्टफिंग भरेंगे। फ्रेंड्स इसमें ना स्टफिंग बहुत, जो हमारे हम हाथ से बनाते हैं ना, उसमें स्टफिंग हम ज़्यादा भर सकते हैं, पर इसमें ना स्टफिंग ज़्यादा भरी नहीं जाती है, क्योंकि ये अपना आटा लगाने के बाद इसका अंदर से बहुत स्मॉल हो जाता है, तो हम लोग ज़्यादा स्टफिंग नहीं भर सकते। अगर आपको ज़्यादा स्टफिंग वाले मोदक खाने हैं ना, तो आप ये जो हम मैंने हाथ से बनाए ना, आप उसी तरह बनाइए। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा आटा लिया मैंने और इसको हम बंद कर देंगे। ये उकड़ी का मोदक मैं भी इससे पहली बारी बना रही हूँ, मैं हाथ से ही बनाना पसंद करती हूँ। ये देखिए ये देखिए, बस हमें सावधानी से खोलना है। ये देखिए इससे क्या होता है, बस देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है, लेकिन ये देखिए, हाँ ये देखिए, आप इस तरह से ये प्लास्टिक का स्टैंड, ये मोल्ड मिलता है, आप इससे भी बना सकते हैं। अब मैं आपको वापस एक बार हाथ से बना के दिखाती हूँ, हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है, मैं आपको एक और मोल्ड बना के दिखाती हूँ, उसके बाद मैं इसको भाप में पकने के लिए रख दूंगी। अच्छे से हमें इसको गोल घुमा के एक लोई बना लेनी है अच्छे से।
ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। ये दो उंगलियां नीचे और ये एक उंगली ऊपर। मेरे बहुत सारे महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स हैं जो अभी मुझे देख रहे हैं, वो लोग तो बहुत परफेक्ट बना लेते हैं। मैंने तो ये शादी के बाद यहाँ आके ही बनाना सीखा, इससे पहले तो मैंने कभी बनाए ही नहीं थे। ये तो मैंने यहीं आके सीखा है। ये देखिए अब मैं इसमें स्टफिंग भरती हूँ। एक टीस्पून तो आप कम से कम भरिए स्टफिंग, इससे कम ना भरिए। ये देखिए हमें बहुत, बस इसको ऊपर से इस तरह से ये देखिए हमें और खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसको ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ दे देंगे तो और सुंदर लगने लगता है, इसका शेप और निखर जाता है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए ये रेडी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं ना इसको स्टीम करने के लिए रखती हूँ। स्टीम करने के लिए एक ट्रिक है जिससे आपका मोदक ना फटेगा नहीं भाप में पकने जाने के बाद। बहुत सारे लोगों का मोदक ना भाप में जाने के बाद फूट जाता है, तो ये फूटेगा नहीं। आज मेरा आटा बराबर हुआ नहीं है, मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं ये फूटे ना। अब हमें ये मैंने पानी लिया है, ये पानी नॉर्मल पानी है, इसमें हमें डिप करना है और फिर इसे हम रख देंगे। नॉर्मल पानी में हम इसे डिप करेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस रख के फटाफट निकाल लेना है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब मैं इसको ना ये भाप में रख देती पकने के लिए। ये देखिए हाँ, और मैं इसको ढक देती हूँ। अब हम इसको ना 10 से 12 मिनट 15 मिनट 12 मिनट के बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे मोदक पक गए कि नहीं। ठीक है, अगर आपको किसी और को फिर से शेप बनाना देखना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं फिर से एक बार बनाना बता देती हूँ शेप। किसी को कुछ पूछना है तो फ्रेंड्स प्लीज पूछ लीजिए। फ्रेंड्स अभी हमें इन मोदक को ना भाप में पकाने के लिए ना 10 मिनट और लगेगा, 10 से 12 मिनट तो लगेंगे। हाँ फ्रेंड्स, किसी को कुछ पूछना है पानी पत्तों पर क्यों रखा नहीं है? थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू ममता जी। 10 मिनट लगेंगे तो अब आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। अगर हल्दी के पत्ते ना हो ना,
ना हो तो आप छलनी में ऑयल लगा कर रख सकते हैं। हाँ आप, हाँ जी, और केले का पत्ता लगा सकते हैं, नहीं तो छन्नी में ही आप ऑयल लगा के रख दीजिए। हल्दी का पत्ता रखने का बस इतना ही है कि उसका एक फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। पानी में हमने इसको इसलिए डिप किया ना, तो अब हमारे मोदक फटेंगे नहीं, मोदक फटते नहीं है पानी में लगाने से ना, मोदक फटते नहीं है। कई बार जब हम बना के बाहर रखते हैं और फिर डायरेक्ट भाप में पकने के लिए रखते हैं तो मोदक कई बार फट जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो मोदक बनाने का ना उस पर उसके चावल पे जो हमने आटा लिया है ना, उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपको पहले से, आप जब भी आपको गणपति के थोड़े दिन पहले ही आप चावल का आटा लेके आइए, या आप उसको घर में पिसाते हैं, तो एक बार ना आप लोग उसको थोड़ा सा बना के देख लीजिए। कई बार कोई कोई आटा ज़्यादा पानी लेता है, कोई आटा कम पानी लेता है, तो उससे भी मोदक, क्योंकि हमको गणपति में बहुत सारे मोदक बनाने होते हैं, तो वो टाइम पे अगर गड़बड़ हो गई तो फिर दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं रहता ना। तो इसलिए एक बार आप लोग आटे को थोड़ा सा मोदक बना के देख लीजिए। आप लोगों को किसी को वापस मोदक का शेप बना के देखना है कि कैसे बनाया है तो आप बता दीजिए। तो अंजना जी, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं क्या करूँ, मैं एक शॉर्टकट एक दूसरी रेसिपी बता देती हूँ। मैं आपको ना ठंडाई लड्डू, नारियल के ठंडाई लड्डू बनाना, हाँ आप इडली स्टैंड में भी रख सकते हैं, आप इडली स्टैंड में रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, पर आपके इडली स्टैंड का जो हाइट हो वो मोदक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि इडली स्टैंड के जो बीच के गैप होते हैं वो कम होते हैं। अगर आपने मोदक बहुत छोटे बनाए तब तो वो इडली स्टैंड में फिट बैठ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ना आपको एक बिल्कुल इंस्टेंट 30 मिनट्स वाली रेसिपी में डालने के लिए, गणपति बापा का भोग बनाने के लिए एक मैं आपको रेसिपी बना के बताती हूँ। मैं खाली क्या करूँ बैठ के, नहीं तो सब लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे ना। तो आप लोग 2 मिनट, मैं बना के आपको बताती हूँ। किसी को अगर वापस मोदक का शेप बनाना देखना है तो मैं आपको बता सकती हूँ। अभी हमारे पास मोदक को भाप में पकने में ना 10 मिनट तो लगेंगे, और तो फिर इतनी देर या तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कीजिए, बातें कीजिए, या मैं किचन गार्डन दिखा दूँ आपको। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको किचन गार्डन दिखा देती हूँ, फिर लड्डू बनाना छोड़ देती हूँ। बोलिए फ्रेंड्स, किचन गार्डन दिखाऊँ या लड्डू बनाना बताऊँ, क्योंकि किचन गार्डन के लिए मुझे बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा, मेरे हर फ्लोर पर अलग अलग जगह पर है लगे हुए, मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको एकदम इस किचन के जो विंडो में जो लगे हैं ना, मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, अभी ये देखिए बैंगन का फूल आ रहा है, ये देखिए ये कड़ी पत्ते लगे हैं, ठीक है। और मेरे यहाँ ना बारिश के मौसम में ना कीड़े वगैरह बहुत आते, तो मैं ना सारे विंडोज़ को बंद करके ही रखना पसंद करती हूँ। ये देखिए ये टमाटर के फूल आ रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए ये कड़ी पत्ता, ये टमाटर, अभी बस ये थोड़े दिन में इनमें फूल आ गए हैं, बस अभी थोड़े दिन में आएंगे इनमें। और फिर मैंने बैंगन तो आपको और आपको दिखाती हूँ, मेरे ना अलग अलग जितनी मेरी विंडोज है ना, हाँ ठीक है इसी फ्लोर वाला दिखा देती हूँ। और फिर ये देखिए ये ऊपर इसके पत्ते बहुत पीछे चले गए, यहाँ पुदीना है, ये पोई का साग लगा है, उसके बाद ये देखिए हल्दी का पत्ता जो मैंने यूज़ किया है, ठीक है। और मेरा यहाँ पे तोरी का, ये देखो ये अभी बढ़ रहा है, सेम है। और हम लोगों की जो ये सेम होती है ना,
हम लोगों के यूपी में तो उसको सेम ही कहते हैं, वाल पोपट वाल बोलते हैं मराठी में। हाँ मैं फटाफट इसलिए मैं कह रही थी किचन गार्डन दिखाएंगे तो टाइम जाएगा, इससे बेटर मैं फटाफट रेसिपी दिखा देती हूँ। और फिर उसके बाद और भी है, ऊपर है भिंडी लगी है, भिंडी भी फूल दे रहा है। सामने की सामने देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन है सामने मेरे। बाहर जाएंगे तो खेत है, आगे जाके इधर खेत भी है, जो आपको इधर दिख रहा है ना ग्रीन, उस तरह खेत भी है। बस आपको 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एकदम इंस्टेंट बनेगी ये रेसिपी। ये मैंने ठंडाई सिरप लिया है, अभी मोदक बनने में और 7-8 मिनट लगेंगे लगता है, 5-7 मिनट। यहाँ मैंने थोड़ा सा ही बना रही हूँ, यहाँ मैंने ये 1/2 कप के करीब मैंने नारियल का बुरादा लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट, ये ऐसा इस तरह के पैकेट में आता है, तो मैंने वो लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें थैंक यू किचन गार्डन बहुत है मेरा, तो मैं इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया, और मैं इसमें थोड़े से 1 टेबलस्पून के करीब कटे हुए काजू बादाम और पिस्ता डाल दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, और अब मैं इसमें ये थोड़ा सा ठंडाई सिरप डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून पहले हम डालेंगे, फिर उसके बाद लगेगा तो हम लोग और डालेंगे। बस इसे मिक्स करना है। मैंने इसमें कोकोनट पाउडर डाला, मिल्क पाउडर डाला 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कटे हुए काजू बादाम और पिस्ता डाल दिए, उसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था। किचन गार्डन का वीडियो ठीक है ज़रूर। ये देखिए मैं इसको, ये हमने इसको मिक्स किया, बस ये हो गया। आप चाहे तो इसको मोदक का शेप दे सकते हैं, चाहे तो आप इसके लड्डू बना सकते हैं इस तरह से, या आप इसको मोदक बना सकते हैं। मोदक बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग इसमें मोल्ड में, ये लीजिए बन गया मोदक फटाफट, 5 मिनट में गणपति बापा का भोग तैयार। ये देखिए ये ठंडाई मोदक बन गया। आप चाहें तो इसको लड्डू का शेप दे देंगे तो ये ठंडाई लड्डू बन जाएगा।
ये देखिए इस तरह से नारियल का एक लड्डू बन जाएगा। इसको सूखे नारियल में थोड़ा सा कवर करके रख दीजिए, ठीक है। बहुत जल्दी बनाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे घर में अवेलेबल रहती है, बस थोड़ा सा आप अगर आपके पास ठंडाई सिरप ना हो तो आप इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी क्रश के साथ बना सकते हैं, मैंगो क्रश के साथ बना सकते हैं, पाइनएप्पल क्रश के साथ बना सकते हैं, कुछ नहीं तो रूहअफ़ज़ा के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ऐसे ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए झटपट मोदक बनके तैयार है। ये रेसिपी ऑलरेडी नहीं, मैंने इसमें शुगर नहीं डाली है ना, मैंने इसमें ठंडाई सिरप डाला है, तो मैंने इसमें मोदक मैंने ये नहीं डाला है, शुगर नहीं डाली, शुगर बनाने की ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ठंडाई सिरप में तो शक्कर रहती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स वो बनकर तैयार हो गया फटाफट एकदम। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये फटाफट मैंने आपको बना के बता दिया है, मैं ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि मोदक को अभी पकने में टाइम लग रहा है, मैंने उसको चेक करके देखा, लेकिन अभी वो और टाइम लेगा, वो आटे पे डिपेंड करता है, कभी कभी कोई आटा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, वो चिपचिपे रहते हैं। तो टाइम आप लोगों का भी वेस्ट ना हो कि कुछ इतना टाइम हमने देखा कुछ मालूम पड़ना चाहिए हमने कुछ कुकिंग करी। तो ये देखिए मोदक बन गया, ये देखिए बन गए मोदक। फ्रेंड्स किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, अभी 5 मिनट और लगेंगे अपने मोदक को बनने में, पूरा रेडी होने में ना 5 मिनट और लगेंगे। किसी को कुछ और इंक्वायरी है तो बताइए आप, जो जैसे मैंने अभी ठंडाई सिरप डाल के मोदक बनाया है ना, आप कोई सा भी सिरप डाल के उसको अलग फ्लेवर में बना सकते हैं, आप चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं। हाँ वो कैसे पता चलेगा ना पक के जब कि पक गया कि नहीं, जब हम मोदक को ना ऊपर से उठाएंगे ना ढक्कन को, तकरीबन आप 10 मिनट हो गए ना अभी, बस मैंने चेक किया लेकिन वो नहीं हुआ था, उसको छू के देखेंगे ना तो उसमें चिपचिपापन नहीं होना चाहिए, अगर चिपचिपापन हुआ मतलब तो वो हाथों में चिपके ना मोदक, तो मतलब अभी उसको और 5 मिनट और पका लीजिए। 1 मिनट हाँ फ्रेंड्स, आप बताइए कोई आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे। अरे 1 मिनट ना, सॉरी फ्रेंड्स मेरे दरवाजे पे कोई आ गया था इसलिए मैं दरवाज़ा ओपन करने गई थी। हाँ मिल्कमेड मिल्क, मैंने इसमें मिल्कमेड नहीं डाला, आप मिल्कमेड डाल के भी बना सकते हैं, आप मिल्कमेड डाल के भी बना सकते हैं। बस अब मैं दोबारा इसको आपको दिखाती हूँ, चेक करते हैं हम लोग अपने मोदक को।
ये देखिए, ये हमारे मोदक बन के रेडी है। आप इसको छुएंगे ना तो ये हाथ पे देखो चिपकेगा नहीं, ये देखो चिपक नहीं रहा है, ये बहुत गर्म है। मैं गैस, ये देखो ये चिपक नहीं रहा है, देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, ये देखो बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, ये देखिए। तो मतलब ये हमारे मोदक बन गए। ये इस तरह अगर नहीं चिपक रहा तो मतलब हमारे मोदक रेडी हो गए, ठीक है। अब मैं इसको ना गैस बंद करके थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देती हूँ, हम लोग उसको एक मिनट के बाद निकालेंगे। हाँ बहुत ज्यादा शाइनिंग, बिल्कुल शाइन करते हैं मोदक, अच्छे से बन जाते हैं ना तो बहुत अच्छा शाइन करते हैं। बहुत गर्म है अभी, हाथ लगाना बहुत खतरनाक है अभी उनको। अभी मैं ना आप लोगों को ये निकाल के दो मिनट के बाद दिखाती हूँ, बहुत गर्म है अभी ये। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ एक प्लेट पे, एक मिनट। मैं इसको ना एक पत्ते के ऊपर मोदक को निकालूंगी। ये देखिए बहुत ये जब गर्म है ना तो आप इसे छुएंगे ना तो टूटने का भी बहुत चांस रहता है, इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही आप इसको निकालेंगे ना तो अच्छा रहेगा। ये देखिए अभी बाकी बहुत गर्म लग रहे हैं, एक में उसे निकालते वक्त थोड़ा सा टूट गया मेरे हाथों से, इसलिए ना आप कभी भी गरम निकालने की गलती मत कीजिए प्लेट के अंदर से। ये देखिए कितने दूध जैसे सफ़ेद शाइनी मोदक बने, ये देखिए। फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे बताइए, और ये हमारे इंस्टेंट मोदक भी बन के तैयार हैं, ये हमारे इंस्टेंट मोदक भी बन के तैयार हैं। इसको हम थोड़ा सा ठंडा ही रहने देंगे, बनाए हैं हम लोग फिलहाल इतने रख देते हैं। ये देखिए ये हमारे गणपति बप्पा को भोग के लिए तैयार है, ये लीजिए। और मैं आपको दूसरे मोदक भी लेके आती हूँ, ये हमारे दूसरे मोदक भी बनकर तैयार हैं। फ्रेंड्स आज कैमरा बहुत ज़्यादा हिला है, ये देखिए फ्रेंड्स रेडी हो गए मेरे, ये देखिए। तो आपको मेरे ये मोदक की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स।
बोलिए फ्रेंड्स, किसी को कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच आप सबको मेरे इतने साथ, मेरे इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। इतना थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गया, कैमरा भी आगे पीछे हुआ। फ्रेंड्स, अब मैं जाते जाते आप सबको एक बात बोलना चाहूँगी। आज मैंने जो भी रेसिपी बनाई है, प्लीज़ आप सब मुझे कुक स्नैप कीजिए। कुक स्नैप जो फोटो कमेंट्स लिखा रहता है वहाँ पर जाके पोस्ट करना है। मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को दे दूँगी। आप मुझे कुक स्नैप कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। महाराष्ट्र वीक चल रहा है, महाराष्ट्र वीक में अगर आपको महाराष्ट्र रेसिपीज चाहिए तो आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू पारुल जी, थैंक यू। ठीक है अंजना मैम, सोनल मैम, थैंक यू। प्राची जी, गणपति पप्पा मोरिया। तो अंजना जी, चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर जो भी मैं किसी के क्वेश्चन का रिप्लाई ना दे पाई हूँ तो मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को दे दूंगी। एक बार मैं फिर से मोदक को दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे उकड़ी के मोदक, मैंने आपको मोल्ड से भी बना के दिखा दिया और ये हाथ से भी बना के दिखा दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पानी में डाला ना, इसके वजह से हमारा जो मोदक है वो फटा नहीं। ये देखिए फटा नहीं, ये देखिए फटा नहीं मोदक हमारा इस तरह से। नहीं तो कई बार क्या होता है कि फट जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारी, बस आप ना मोदक बनने के बाद ध्यान ये रखिएगा कि गरम गरम मोदक को कभी ना निकालें। जैसे अभी मैंने, मुझे जल्दी हो रही थी तो मैंने निकालने की कोशिश करी तो मोदक टूट गया। इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, अगर आपने आटे को अच्छे से मलाया ना तो आपको बहुत सॉफ्ट मोदक बनता है। ये देखिए, ये मेरे ठंडाई मोदक, ठंडाई लड्डू बोलिए, बनकर तैयार है। सो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स फिर बाय, फिर मिलेंगे। गणपति बाप्पा मोरिया, बाय फ्रेंड्स।